नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल, कोरोना मरीजों के इलाज में निरंतर लगे सागर के युवा डॉक्टर शुभम की कोरोना से मौत हो गई है। इस दुखद घटना के बारे में चिंतक और विचारक अशोक त्रिपाठी ने कहा कि यह लचर व्यवस्था का दुष्परिणाम बताया गया है। उनका कहना है कि कोरोना योद्धा के रूप में निरंतर काम कर रहे डॉक्टर खुद अचानक कोरोना के शिकार हो गए हैं। उनका इलाज जल्द क्यों नहीं किया गया? आखिर उनकी स्थिति गंभीर होने का इंतजार क्यों किया जाता रहा? कोरोना जैसी बीमारियों के इलाज का जब यह हाल है तो अन्य बीमारियों के मरीज की क्या स्थिति होती होगी, इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए। तमाम तरह की व्यवस्थाओं को संवेदनशील तरीके से दुरुस्त किया जाना जरूरी है। सत्ता तभी सही मायने में सार्थक मानी जाएगी। नमस्कार साथियों, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। बहुत ही संवेदनशील बात है। कोरोना योद्धा जिस तरह से कोरोना से लोगों को बचाने के लिए अपनी जीवन को कठिनाई के दौर से गुजर रहे हैं, अपने जीवन को दांव पे लगा रहे हैं, एक बहुत ही युवा डॉक्टर सागर में जिनका कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रहे थे, वो 25 दिन इलाज चला और आखिरकार वो अपनी जंग जिंदगी की जंग हार गए हैं। अपने उद्गार व्यक्त करेंगे श्री अशोक त्रिपाठी जी। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर शुभम जिनके इलाज के लिए शासन ने 1 करोड़ की राशि स्वीकृत कर दी थी, लेकिन उन्हें इलाज पर्याप्त मुहैया नहीं हो पाया, 25 दिन अस्पताल में भर्ती रहे। बताया जा रहा है कि इलाज में लापरवाही बरती गई। क्या का बरसा जब फसल सुखानी जी, वेदना और संवेदना जी समय पे मिल जाए जी, मरने वाले को मरने के पहले दवा मिल जाए जी, भूखे को तड़फने के पहले भूख मिट जाए जी, ये सिस्टम की जंग है, सिस्टम से जंग है, सिस्टम में जंग है जी। 26 वर्ष के उस युवा को लेकर जो 6 महीने पहले जिसने डॉक्टर की पढ़ाई पूरी की जी, उसके परिवार के कुटुंब के कितने सपने होंगे, बिल्कुल, जिसने जान जोखिम में रख के जिद जज्बा जुनून के साथ कोरोना संक्रमण काल में सैकड़ों मरीजों को बचाया, अपनी जान की परवाह नहीं की, खुद संक्रमण में आ गया। कितनी संवेदनहीन व्यवस्था है कि उसी सागर के मेडिकल कॉलेज में इंजेक्शन के पैसे नहीं होने के कारण लेट लतीफी हुई। दोस्तों ने मित्रों ने पैसे जुटा के व्यवस्थाएं की, तब तक संक्रमण बढ़ चुका था और फैल चुका था। फिर भोपाल के चिरायू हॉस्पिटल में वो भर्ती हुआ। हमें सोचने में, समझने में, उसके संक्रमण फैलने में क्या 1 दिन में ही 97% फेफड़े खराब हुए? 10, 20, 50, 60, 70% खराब हुए होंगे। हमें जब उसके 100% खराब होने पर पहुंचने लगे, तब तक तो हम इंतजार करते रहे। ये शर्म लाने लायक बात है सिस्टम की। सरकार की संवेदनशीलता सराहनीय है, सीएम की तत्परता सराहनीय है, लेकिन वो कौन सी जंग है कि वो बात तब पहुंची जब वो डॉक्टर जिंदगी की जंग हारेगा? समझने लायक बात है। वेदना और संवेदना का विषय है और ये सिस्टम में लगी जंग की घोर निकृष्टता है। धन्यवाद। भोपाल से समय जगत के लिए संदेश नीमा की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।